फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मस्ती एंड फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइना ग्रास या फिर आगर आगर पुडिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके लिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 स्टार का आगर आगर लिया है। तो ये अभी हम इसको लेके और थोड़े पानी में, लगभग 1 कप पानी मैंने लिया है, और इसमें मैं इसको ऐसे ऐसे ब्रेक कर दूँगी, ऐसे तोड़ के, और इसको इसमें हम भिगा के रख देंगे। लगभग इसको हम लोग 10 मिनट हम इसको इसी तरीके से ऐसे भीगने के लिए रख देंगे। यहाँ दूसरी तरफ मैंने 750 ml दूध ले लिया है, जिसको कि मैंने गैस पे रख दिया है गर्म करने के लिए। दूध में एक उबाल आने देंगे हम, और फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ दूध में हमारा एक बॉयल आ गया है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी यहाँ पे मैंने आधा छोटा कप डाला है, और अब हम इस जो चीनी है इसको अच्छे तरीके से इसमें पूरा मेल्ट करने तक इसको हम गर्म करेंगे। इसमें अभी 3 से 4 मिनट हो गया है, और हमारा जो दूध है इसमें अभी चीनी पूरा पूरे तरीके से डिसॉल्व हो गया है, पूरा मिक्स हो गया है इसमें। तो अभी हम ये गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे, और ये दूध को ऐसे ही हम छोड़ देंगे। चाइना ग्रास हमने भिगा के रखा था थोड़ी देर के लिए, अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, और ये चाइना ग्रास को हम इस पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व होने तक हम इसको पका लेंगे। चाइना ग्रास हमारे इसमें गलने लगे हैं, पूरी तरीके से डिसॉल्व होने लगे हैं, ये देखिए। तो अब हम इसको और 3-4 मिनट इसको हम ऐसे ही चम्मच से हिलाते हुए हम इसको पका लेंगे। ये देखिए, चाइना ग्रास इसमें जो है अच्छी तरीके से पानी में घुल गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे, और इस चाइना ग्रास तो हम ये दूध में हम मिला देंगे। अब हम इसको हम एक प्लेट में हम जमने के लिए हम डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, यहाँ पे मैं इसको इस पे डाल रही हूँ, और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा 1-1.5 घंटे में, तो उसके बाद में हम इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटा रख देंगे। अब हमने इसको प्लेट पे डाल दिया है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ये इलायची पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता को मैंने बारीक कट कर लिया था, तो अब इसे भी मैं इसके ऊपर डालूँगी। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे तक। जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको निकालेंगे, और फिर उसके बाद में हम सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, अब ये पूरा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे नाइफ से। आपको जैसे शेप चाहिए वैसे आप कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ।
बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, आप एक बार ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए, और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका चाइना ग्रास कैसे बना। ये देखिए हमारा चाइना ग्रास बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है एक एक पीस बाहर। अभी अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।